दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं अभी। 8 बज रहे ना शाम के? नहीं, 8 बज रहे शाम के, 8 रात के 8 बज रहे हैं। 8 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ और फौजी साहब आने वाले हैं, उनका वेट हो रहा है। खाना पीना भी ऑलमोस्ट डन है, बट अभी कुछ रह गया है। रोटी ताजी ताजी बनाएंगे। मेरी बना रहे भाई, ये हमारी मेन मास्टर शेफ, ये अच्छी रोटी बनाती है लड़की, है ना? ये तो है, मैं रोटी अच्छी बनाती हूँ, एक चीज़ आती है। सो दोस्तों, मैं आई थी आजकल मायके एंड जा रही हूँ 2-3 दिन बाद ससुराल, और इसलिए ये थोड़ा सैड है। कह रही कि बुआ जा रही है, मेरी भतीजे भाई की बेटी। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा ब्लॉग में कि मैडम जो आपकी आपके साथ ब्लॉग में रहती है वो कौन है, वो आपकी सिस्टर है या कौन है? तो बताया मैंने, मेरी भतीजी है, शिवी शिवी बोलती हूँ मैं बार बार, वो है मेरी भतीजी। ये मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त भी है, एक सिस्टर भी है, क्या बोलूँ, मतलब सब कुछ बोल सकती हूँ मैं। बेस्ट फ्रेंड, सिस्टर, बेबी, बिग डॉटर, यू नो, बहुत अच्छी है, क्या बताऊँ इसके बारे में। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जा रही परसों ससुराल, तो इसको थोड़ा सा सैड फील हो रहा है, तो रो रही थी आज दिन में अकेले अकेले। तो मैं देखा इसको, मैंने कहा क्यों रो रही है? तो कह रही वो आप जा रहे हो परसों, कुछ दिन बाद मैंने कहा मिलूंगी फिर आफ्टर 1 मंथ। सर दोस्तों, ये बहुत सैड थी। रो रही है क्या? रो तो नहीं रही। नहीं नहीं नहीं, अभी तो हंस रही है, ब्लॉग के लिए तो हंस रही है, देखिए गाइस आप देख सकते हैं, हंस रही है। और आरू की भी बहुत अच्छी दोस्त है, आरू को देखो यहाँ पे, बेबी यहाँ देखो, कौन आ रहा है? आरू, डैडी आ रहे हैं भाई, फोन में बिजी। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे ब्लॉग में, मैसेज पर्सनली मैसेज कर रहे थे, इंस्टा पे कर रहे थे, मैम आप, मैडम आप कहाँ से हैं, कहाँ से हूँ? तो मैं उनको बता दूँ, मैं हूँ कोटद्वार से। कोटद्वार तो सभी जानते होंगे, है ना? उत्तराखंड यार सब जानते हैं। दोस्तों अभी वेट हो रहा है, अभी आए नहीं है मेरे फौजी साहब। उनको वैसे ब्लॉग में ऐसे पसंद नहीं है, ब्लॉग वगैरह में आना, ऐसे वीडियोस वगैरह बनाना, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा दिखाते रहेंगे, है ना गाइस? थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे, बट कोशिश करेंगे हम। इसको देखो कितने मजे से लेटी हुई है यहाँ पे, पोज देखो लड़की का, यहाँ पे कॉम साथ में रखा हुआ है, प्लेट देखो नीचे, फोन ले लेट के देख रही है। वो भी डैडी का वेट कर रही थी, बट वो बोर हो गई, काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी, मैं डैडी कब आएंगे डैडी। वो अभी कॉल भी कर रही थी अपने डैडी को, बट उनको अभी टाइम लगेगा आने में, यू नो काफ़ी रश वगैरह रास्ते। तो दोस्तों अभी हम कर रहे हैं वेट, हमारे फौजी साहब आ रहे हैं, मेरे फौजी साहब, मेरे मामा जी का, तो इसके डैडी जी आ रहे के डैडी, तो मिलवाते हैं आपको भी उनसे। सो दोस्तों मिलते हैं फिर आपको थोड़ी देर में, तब तक के लिए गाइस अब तो ब्लॉगिंग बनाने का बोलूंगी, नहीं ब्लॉग में डालती रहूंगी, बट वही है दोस्तों बेबी के साथ इतना मतलब टाइम मिल नहीं पाता, बिजी रहती हूँ, एडिटिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इतनी जल्दी ब्लॉग आएगा नहीं, बट ठीक है शॉर्ट्स वगैरह में कुछ कहीं कहीं पर आपको दिखने को मिल जाएगा, मैं कहाँ पर अपडेट मिलता रहेगा, है कि नहीं? यस। और मम्मी डैडी उधर वेट कर रहे हैं, वो भी उधर उस वाले रूम में बैठे हुए हैं कि कब आएंगे, मिलवाती हूँ दोस्तों आपको। सब दोस्तों रात के 11 बज चुके हैं, फौजी साहब आ गए हैं, मिलवाते हैं आपसे, बाहर चलते हैं, चलो देखते हैं। इसे जा चुके हैं मिलने। दोस्तों ये हमारे फौजी साहब एंड ये है मेरी मम्मी, वेलकम कर रही हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताई थी फौजी साहब को ब्लॉग में आना बिल्कुल पसंद नहीं है, वैसे ही देख सकते हैं आप अपना सर झुका रहे हैं, बिल्कुल ब्लॉग में अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, ये देखिए आप। हर पल